साथियों नमस्कार, मैं रामजीत पटेल आपको मुख्यमंत्री जी के दौरों के बारे में बताता हूँ। हाल ही मुख्यमंत्री जी का कल 12 सितंबर को दौरे हैं, सीकर में है, चूरू में है, चौमू में है, जयपुर। उन कार्यक्रमों में सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, जिलाध्यक्षगण, प्रदेश कार्यकारिणी के नेतागण जितने भी हैं, तमाम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है और इसको अपने बच्चों की तरफ देखकर रोजी रोटी के लिए दिल पर हाथ रख के अपना घर छोड़ें, क्योंकि आंदोलन एक लंबे समय तक चलता है। आंदोलन जरूरी नहीं कि सफल हो, क्योंकि हमने सैकड़ों आंदोलन बहुत पहले भी किए हैं, कई योद्धाओं ने भी सैकड़ों आंदोलन पहले भी किए हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में जो घेराव जोधपुर में हुआ है, उस चीज़ का असर हमें सेक्रेटरेट में भी देखने को मिला था। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी आम पंचायत सहायक है, 12 तारीख को जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चौमू आसपास का हजारों की संख्या में, और जयपुर के तमाम प्रदेश के नेतागण, जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, पूर्व के नेतागण, पूर्व के जिलाध्यक्षगण, पूर्व के ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, मुख्यमंत्री जी के पंडाल में पहुँचें, मुर्गा बने, जबरदस्त नारेबाजी करें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। चौमू के लोग, चौमू के आसपास के हैं, वो पहुँचें जबरदस्त, इसी तरीके से जोधपुर की तरह कार्यक्रम करें, सफल बनाएं। सीकर के लोग खासकर, आपको भी यही कार्यक्रम करना है। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुर्गा बनने के बाद में आप खुद सरेंडर हैं। आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से अच्छे ढंग से करवाई जाएगी और आप जबरदस्त नारेबाजी कीजिए। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के अंदर जबरदस्त नारेबाजी की जा सकती है और सिर्फ 5 लोग और सरकार के 3 मंत्री वहाँ बैठे हैं, सरकार का पूरा प्रशासन आला अधिकारी वहाँ बैठे हैं, फिर भी इस तरह का काम किया जा सकता है। जोधपुर में मुख्यमंत्री जी हक्का बक्का रह गए, आनंद फानंद में यहाँ मीटिंग आके ली जयपुर, अधिकारियों को निर्देशित किया और आपके काम को गति मिली। ये खुद हमने देखा है, अगर आप कल चूक गए 3 जगह पर, तो फालतू की नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं है। और ये हनुमानगढ़ और जो ये जो बेल्ट है पूरी, जहाँ जहाँ के साथी नज़दीक पड़ते हैं, चौमू, सीकर और चूरू, जितने भी साथी जो नज़दीक पड़ते हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे। और भले ही आप जयपुर एक दिन लेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जयपुर तो आना ही है 14 तारीख में, भले एक दिन लेट आ जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों को आपको किसी भी सूरत में सफल बनाना है, जबरदस्त नारेबाजी के साथ में। अगर आप घरों से नहीं निकले, अब की बार चूक गए, क्योंकि रण है। अगस्त क्रांति में अच्छे कार्यक्रम हुए और वही क्रांति आगे चल रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो घेराव चल रहे हैं, अगर ये रुक गए तो आप समझिए आप मर गए। और आपको ऊपर जाकर यमराज को भी हिसाब देना पड़ेगा कि धरती पर पैदा हुए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, संघ के लिए, संगठन के लिए नहीं, खुद अपने बच्चों के लिए। वैसे भी 7920 में कौन सी चित की कट जानी है, इसलिए आप सबको संभलना होगा। कल 12 सितंबर को ध्यान रखने वाली बात, चौमू, जयपुर के नज़दीक के जितने भी साथी हैं, जितने भी, वो सभी पहुँचें बड़ी संख्या में, सीकर के साथी और हनुमानगढ़, चूरू, जो भी बेल्ट है वहाँ पहुँचें। आप सबसे निवेदन माने, अपने बच्चों की तरफ देख कर माने। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।